अगर आपने हमारे चैनल टेलिंग इन हिंदी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑन कीजिए बेल आइकन को, जिससे हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नमस्कार, आज मैं आपको बताऊंगी ब्लाउज के पीछे की बैक डिजाइन। ये हमारी बुकरम है, उसकी लंबाई है 14.5 इंच। अब हम बुकरम को डबल करेंगे। गले की चौड़ाई लेंगे 2.5 इंच की। अब हमने यहाँ से गले की लंबाई ली है 10 इंच की। अब हम यहाँ से बुकरम लेंगे, 1-1 इंच का निशान लगाएंगे। अब हमने 1-1 इंच की यहाँ पे बुकरम ली है और ये बुकरम है वो 1/2 इंच की है। इसको हम अंदर की साइड दबाएंगे। पांच इंच हम यहाँ से लेंगे नीचे के साइड से। अब ये हमारी 1/2 इंच की बुकरम है, इसको हम अंदर की साइड लगाएंगे और इसको हम बाद में लगाएंगे। ये हमारा पीछे का पल्ला है। अब हम एक चौकुटा कपड़ा लेंगे और इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे पहले। अब ये कपड़े को दबा के हम सिलाई लगाएंगे। अब ये हमारा कैंची का कटा हुआ निशान है, यहाँ से हम इसको लगाएंगे, तरीके से बराबर रखेंगे। अब हम बुकरम के नीचे सिलाई लगाएंगे। अब हम इसको डबल करेंगे। अब हम यहाँ पे निशान लगाएंगे 3.5 इंच पे, क्योंकि 1 इंच हम यहाँ पे बुकरम का गला लगाएंगे तो ये हमारा 2.5 इंच हो जाएगा। तो हम यहाँ पे 3.5 इंच पे निशान लगाएंगे कैंची का। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। इसको हम अंदर के साथ दबा के सिलाई लगाएंगे। इसी तरीके से हम दूसरी साइड लगाएंगे।
अब हम इसके ऊपर पाइपिंग लगाएंगे, तो इसके लिए हमें कपड़े को तिरछा करना है। अब इसको हम इस तरीके से जोड़ेंगे। अब हम पाइपिंग के बीच में धागे को दबाएंगे और इसको हम इसके नीचे से लगाएंगे। अब ये धागे को दबा के हमें पाइपिंग का कपड़ा अंदर की साइड दबाना है। इसको हमें अंदर की साइड दबा के अब इसी तरीके से हमें दूसरी साइड पाइपिंग लगाएंगे। अब हम पहले अस्तर पर सिलाई लगाएंगे, इसको रख के। अब हम एक चौकटे कपड़े पे इसको रखेंगे और इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। अब हम इसको बराबर करके अब इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। अब हम एक कपड़े के ऊपर इसको रखेंगे। अब हम बुकरम के नीचे सिलाई लगाएंगे यहाँ से। सीधा करेंगे, यहाँ से हमने सिलाई लगा ली है। अब इसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। अब हम इसको बराबर करके यहाँ से हमें एक एक इंच इसको बाहर निकालना है। इसी तरीके से हम दूसरे साइड गले को लगाएंगे। अब ये दोनों साइड हमने एक एक इंच रखा है गले को। अब हम इसके नीचे का पैटर्न तैयार करेंगे। कपड़े के ऊपर हम बुकरम को रखेंगे और इस पे सिलाई लगाएंगे।
अब इसके ऊपर हम ये बुकरम को रखेंगे। अब यहाँ से सिलाई लगानी है। अब ये दोनों साइड से हमने सिलाई लगा ली है। अब हम इसको सीधा करेंगे। पाइपिंग को इसके ऊपर रखेंगे। ये हमारा कपड़ा तिरछा है और इस पर हम पट्टी लगाएंगे। इसी तरीके से हमें यहाँ पे भी पट्टी लगानी है। अब इसके बाद हम इसको लगाएंगे। एक एक इंच हम इसको दबाएंगे। अब इसी तरीके से हम दूसरी साइड इसको लगाएंगे। इसे हम कम चौड़ाई करना चाहें तो इसको इस तरीके से कम चौड़ाई कर सकते हैं और इसको हम बराबर करके ये बन गई हमारी गले की डिजाइन। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारी इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।